कुछ एक्टर्स डायरेक्टर्स की जोड़ी इतनी ज्यादा सुपर्ब होती है कि वाकई जब काम बाहर निकल कर आता है तो काबिले तारीफ होता है। ऐसी ही एक जोड़ी है, हम सभी जानते हैं, रणवीर सिंह और संजय लीला भंसाली की, ऑफ कोर्स दीपिका पडुकोण एंड संजय लीला भंसाली आल्सो। लेकिन क्योंकि ये कहानी रणवीर और संजय की है तो चलिए आपको बताते हैं क्या अपडेट आई है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस वक्त सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह एक बार फिर छा गए हैं, हमेशा छाए हुए रहते हैं। रणवीर हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट किस्म के हैं और उसी के साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करने में बिलीव करते हैं, और कुछ भी खबर हो लेकिन रणवीर हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको बता दूं कि रणवीर सिंह हाल ही में कई सारे बच्चों से मिले, लेकिन बच्चों से जो मिले उससे बड़ी बात यह है कि कहां पर मिले। मिले संजय लीला भंसाली के ऑफिस में। जी हाँ, सबसे पहले तो चलिए ये प्यारा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रणवीर सिंह अपने अंदाज में, जी हाँ अपने गली बॉय अंदाज में फैंस से मिलते नजर आ रहे हैं। बेसमेंट के पास उन्होंने सभी फैंस के साथ हैंडशेक किया और कुछ फैंस के साथ सेल्फीज भी ली और बड़े रैपर डूड अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, रणवीर के हेयर स्टाइल पर अगर आपने गौर फरमाया हो तो ये जो हेयर स्टाइल है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो हेयर स्टाइल रणवीर ने रखा है ये अपनी नेक्स्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के किरदार के लिए रखा है। जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र देखी है वो जानते हैं कि रणवीर सिंह को शायद ऑफर हो सकता है नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि जिस देव का पिक्चराइजेशन ब्रह्मास्त्र में किया गया वो इसी तरीके से रणवीर सिंह लग रहा था। एनीवेज, कमिंग बैक टू रणवीर, हाल ही में रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुए। इस दौरान उन्होंने अपने फैन से तो सेल्फी वगैरह ली ही उनके साथ, लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि संजय लीला भंसाली के साथ शायद रणवीर सिंह एक बार फिर से मैजिक क्रिएट करने जा रहे हैं बड़े पर्दे पर। जब भी दीपिका रणवीर साथ में आते हैं इट इज़ ऑलवेज मैजिकल टू सी देम। रामलीला देख लो, खिलजी पद्मावत देख लो, हालांकि इसमें साथ नहीं थे, एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स थे, बट उसके बावजूद जो एनर्जी थी, जो प्यार था, जनता का इनके प्रति जो प्यार था और जो एनर्जी थी इन दोनों किरदारों की अपने अपने लेवल पर, यहाँ पर पॉजिटिविटी दीपिका में और यहाँ पर भर भर के नेगेटिविटी खिलजी के किरदार में, इट वॉज माइंड बॉगलिंग। उसी के साथ साथ बात की जाए थर्ड फिल्म, जी हाँ हालांकि ये सेकंड थी, बाजीराव मस्तानी, वहाँ पर भी प्यार की एक अलग ही मिसाल इन दोनों ने कायम की थी। सो ओवरऑल जब भी भंसाली साहब ने डायरेक्ट किया है रणवीर सिंह को, इट हैज़ ऑलवेज क्रिएटेड मैजिक, तो शायद ये मैजिक फिर क्रिएट होने वाला है। संजय लीला भंसाली शायद एक बार फिर रणवीर सिंह को अपने साथ काम करवाने वाले हैं। अब फिल्म की डिटेल्स क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस डिटेल पर आपकी क्या राय है आप बताइए हमें।